हेलो एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी मार्किंग। इंशाल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेट्स बिगिन। जी, फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट जो है इसमें हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से, कहाँ कहाँ से और कितना इंपॉर्टेंट आता है। इसमें बेसिकली आपको रेट रिक्वायर्ड होती है। गैमेटोजेनेस की डेफिनेशन इज़ मोर देन इनफ। देन मियोसिस में चले जाएँ तो मियोसिस के एक बार फेजेज़ आए हुए हैं। इसके सब फेजेज़ जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, सही, ठीक है जी। और देन हम आगे मूव करते हैं। आगे स्पर्मेटोजेनेसिस अक्सर उकाद ये क्वेश्चन आया हुआ होता है, ठीक है जी, जिसमें ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें ये आपको ड्रा करना होता है। देन हम फर्दर मूव आउट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बेसिकली ये रिक्वायर्ड होता है कि ये कैसे स्पर्म प्रोडक्शन होती है और कैसे आगे वो अपना अमल करते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, वह है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस सेकंड वन इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम दैट टॉपिक। और जेनेसिस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन द फीमेल गैमेट एट बर्थ, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है। डैट इज़ मोर देन इनफ। एंड देन हम मूव करते हैं आगे। ये पोस्ट मैच्योरेशन ऑफ ओसाइट मीन के आफ्टर बर्थ, ठीक है, जो गैमेट चेंजेस आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको जस्ट इस फार्मूले के तहत आप याद कर सकते हैं यूट्रस की जो पैरामीटर्स हैं। देन इसके पार्ट्स के लिए मैं अलग से एक निमोनिक की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। डैट इज़ निमोनिक फॉर द लेयर्स, ओके। बस इसको आप जनरल रीड दे दें, डैट इज़ मोर देन इनफ। कभी इस टॉपिक से कोई UQ नहीं आया, ठीक है जी। अब यूट्रस की एक्सप्लेनेशन में आप जस्ट ये वाला जो है तैयार कर लें, डैट इज़ मोर देन इनफ। यूट्राइन ट्यूब की लेंथ बेसिकली वाइवा क्वेश्चंस में पूछी जाती है और इसके दो एंड्स होते हैं और इसके पार्ट्स, ठीक है जी। ओवरीज की बात की जाए तो इसमें से कोई आज तक अभी तक UQ नहीं आया। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की बात करें तो इसमें ओवेरियन साइकिल में प्राइमरी फोलिकल एंड डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फोलिकल सेंडअप्स में मोस्ट रिपीटेडली आया हुआ इन 2021, ठीक है जी, सेंडअप्स में। उसके बाद हम आगे मूव आउट करते हैं। ओवोल्यूशन आज तक आया नहीं, लेकिन ये कदरे इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक सर्ज ऑफ LH प्रोडक्शन एंड देन व्हाट इज ग्रोनो रेडिएटा जोना प्लेसेटा। तो ये एक कॉन्सेप्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट है और इसमें से कुछ MCQ हैं, ठीक है। ये आप हाईलाइटेड पॉइंट्स देख सकते हैं। देन आप ये वाला जो क्लिनिकल है ये काफ़ी बार आता है। एंड द ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन में होती है वो कितनी होती है, 20 to 80 ml ब्लड, ये आपको आना चाहिए। देन हम मूव करते हैं कॉर्पस ल्यूटम और मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तरफ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इसके अक्सर उकात जो है सेंडअप्स में आए होते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो तीन फेजेस हैं वो आपको आने चाहिए, मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोफेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है जी। उसके बाद बाकी को वो आपका रीड कर लें, डेट इज़ मोर देन इनफ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओसाइड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज सच, ठीक है जी। मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म इस टॉपिक में से कैपेसिटेशन और मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेम चीज़ है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है जी। एंड देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डैट चैप्टर, डैट इज़ सीक्वेंस और द इवेंट्स अक्कर इन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसमें आपको फिगर ड्रा करनी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देन हम इसकी बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये वाली फिगर आपको करनी होगी इसके साथ, ठीक है जी। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसमें स्पेशली गिफ्ट को पूछा जाता है और गिफ्ट के साथ जो है वो रिस्क इन्वॉल्व को पूछा जाता है कि रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। इसमें इसके बाद रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बार दफ़ा पूछा जाता है, जिनमें ये पॉइंट्स आप सारे के सारे लिखेंगे, ओके। देन हम मूव करते हैं फ्यूदर और इसमें हम बताते हैं क्या चीज़ आ सकती है। इसमें आपको व्हाट इज़ मोरोला, ठीक है जी, वो पूछ सकते हैं।
और जूना पेलिसुडा एक क्वेश्चन बाज होता है, व्हेन द जूना पेलिसुडा डिसअपियर्स, ठीक है, हाउ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, डिफाइन क्लेवेज, ये सारे का सारा इसी टॉपिक में से आता है, ठीक है जी, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो गई। देन क्लिनिकल्स की बात की जाए तो असिस्टेड टेक्निक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और एट दी एंड आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर की अगर आपने फाइनल रिव्यू कर चुके हैं और एमसीक्यू के लिए अगर आपको कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो है समरी ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट, आपको ये समरी लाजमी रीड करनी चाहिए, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज प्रॉप में आते हैं। क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ से नहीं करने, बस पास पेपर के क्वेश्चन, डैट इज़ मोर देन इनफ। सो डैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट वीक ऑफ द डेवलपमेंट, ये क्वेश्चंस आप एक बार दोबारा रीड आउट कर लें, ये बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड वीडियो में।